नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे मम्मी के कान्हा जी के लिए छोटा सा एक फ्रॉक, जो कि बहुत ही हल्का फुल्का है और इसके ऊपर स्वेटर पहनाना भी काफ़ी इजी है। और जब गर्मी रहेगी तो बिना स्वेटर के भी हल्का सा ड्रेस पहना के बैठा सकते हैं, जो कि देखने में अपने आप डिज़ाइनर लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो नेट यूज़ किया है वो नेट अपने आप में डिज़ाइनर नेट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना। ये इस तरह का नेट हमने लिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। एक हमें छोटा सा बुकरम लगेगा। ये जो घेरा मैंने लिया है ये मम्मी का 5 नंबर का कान्हा जी है, पर बुकरम खाली मैंने बेस घेरा के लिए लिया है, तो बहुत छोटा साइज़ का लिया है। देखिए 4.5 इंच का ही लिया है, ताकि बाकी जगह से घेरे में बुकरम ना दिखे। और ये है बॉर्डरलेस बेबी पिंक और गोल्डन कलर का। पिंक और ग्रे का कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर दिखते हैं, इसीलिए ट्राई कर रही हूँ कि इसी कम्बिनेशन में बनाने का। तो ये जो मेरा कपड़ा है, इसका मैं अभी नाप लेके इसका एक स्ट्राइप्स निकाल लूँगी, जिससे मैंने ड्रेस बनानी है। तो दोस्तों, नॉर्मली जो 5 नंबर के कान्हा जी हैं उनके 10 इंच के घेरा होता है, मैंने 4.5 इंच तक लिया है, क्योंकि मेरे मम्मी के जो मंदिर है जहाँ कान्हा जी बैठते हैं, गोपाल जी उनके बैठते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े ड्रेस फैला के बैठने का जगह नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा रखती हूँ उनकी घेरा, जो कि देखने में बिल्कुल ख़राब नहीं दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। आप उनको पहना के जब मैं दिखाऊंगी, या तो शुरू में भी आपने देखा होगा, अच्छा लग रहा था। अब जो है ये इनकी जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर को हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो आप चाहे तो मशीन के हेल्प से सिलाई कर सकते हैं, या तो हाथों से भी सिलाई कर सकते हैं। पिंक या येलो कोई भी धागा ले सकते हैं। अगर बीचों बीच सिलाई डाल रहे हैं तो पिंक ले लीजिए, और अगर मैंने येलो लिया क्योंकि मैंने गोल्डन जो बॉर्डर है इनके दोनों साइड में, उन दोनों के ऊपर सिलाई डाली है। तो दोस्तों, इस तरह से हमको ये पूरा जो है सिलाई कर लेनी है। सबसे पहले जो इनका जहाँ से हमने बॉर्डर लगाना शुरू करेंगे उसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है, और उसको सिक्योर करने के बाद सीधी सिलाई डालती रहनी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरा ये सिलाई कर लेनी है। देखिए ऐसे सिलाई, आप चाहे तो इसको मशीन में कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने हाथ से ही कर लिया है। तो ऐसे हमने बैठा लिया है पूरी जगह पे, जो मैंने नेट स्ट्रिप्स काटी थी उसमें पूरे जगह पे मैंने इस तरह से ये बॉर्डर बैठा लिया है। अब जो है इनको हमें जो छोटा सा हमने बुकरम लिया था, ये वाले जो बुकरम लिया हुआ है, ये बुकरम के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्रिल करते हुए बैठाते हुए जाना है। फ्रिल जितनी ज़्यादा होगी उतनी बुकरम कम दिखेगा, और क्योंकि बुकरम भी काफ़ी छोटा है, तो क्योंकि बाहर के तरफ हमें बुकरम नहीं चाहिए था, खाली घेरे में घेरा सिलाई के लिए बैठाने के लिए हमें बुकरम चाहिए था। तो ये इस तरह से बनती रहेगी। आई होप आप लोगों को कैमरा में अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखिए, बुकरम बिल्कुल ढक जाती है, और इसके इस तरह से घेरा में इसे पकड़ के हमने इसको सिलाई कर देते हैं। तो ये मैंने पूरा हाथ से सिलाई किया है दोस्तों, और आप चाहे तो सुंदर से मशीन यूज़ करके अच्छे से प्लेट बैठा के सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रेस जो यूज़ किया है हमने, जो कपड़े यूज़ किया है वो कपड़े डिज़ाइनर है, और इसमें अलग से बहुत अच्छे से प्लेट्स बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली आप छोटे छोटे प्लेट्स बैठाते रहेंगे तो अभी भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये घेरा बन के तैयार हो गया है, और इसमें चारों तरफ ऐसा गोल, और इसमें काफ़ी अच्छे से घेरा आया है। जो मैंने कपड़े का जो लेंथ है वो ज़्यादा ले लिया था, तो उसके वजह से घेरा भी बहुत अच्छा आया है। अब जो है इनके जो नीचे के बॉर्डर के पार्ट आ गया है, इनके कमर में भी मैं थोड़ा सा बॉर्डर कर दूंगी, ताकि ये कमर भी बाद में ना खोले। अब ये जो हमने बॉर्डर लिया हुआ था, इसी बॉर्डर से हमें बनानी है इनकी चोली। तो इनकी चोली बनाने के लिए हमने 12 इंच का एक स्ट्राइप्स हमें काटना है, जिससे दोनों हाथ की चोली बन जाएगी, क्योंकि 6 6 इंच मैंने एक एक हाथ में रखना है। एक तरफ कंधे से लेकर कमर तक इनका 3 इंच के आसपास हमने रखा है सिलाई के साथ। तो इस तरह से 12 इंच का जब ले लिया है, तो मैंने 12 इंच को इसको कट नहीं किया है, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दिया, जो आगे की तरफ ऐसा रहेगा।
आप चाहे तो काट करके इसको अलग से सिलाई करके दो अलग अलग हाथ के ऐसा करके बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके फोल्ड कर दिया है। अब जो है इसको सिलाई कर देंगे, और ताकि ये खुले ना, ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों इस तरह से इसको सिलाई करने के बाद हमें इसको अटैच करना है इसकी जो घेरा है उसके साथ। तो दोस्तों कभी कभी क्या है, ड्रेसेस हड़बड़ी में बनती है, कभी अच्छा बन जाता है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को सभी को कहा है कि दोस्तों कभी अच्छा बन जाता है, कभी इतना अच्छा नहीं भी बन पाती है। तो जैसा भी मैं बना लेती हूँ घर में कान्हा जी के लिए पहनते, वो अच्छे ही दिखते हैं। तो वही मैं आप लोगों को भी, जिनको अगर नहीं भी आता है अच्छे से ड्रेस बनाना, वो भी ये इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा नहीं आता है। अब जो है इनका चोली से मैं इसको अटैच कर दूंगी। तो चोली से अटैच करने से क्या, ये जो ऊपर का पार्ट है अलग से चोली और जो घेरा हम अटैच कर देते हैं, तो खोने का डर नहीं रहता है। कान्हा जी के बहुत सारे ड्रेसेस हो जाते हैं जो कि खोने के भी चांसेस हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली मैं जो ड्रेसेस बनाती हूँ उसमें चोली में अटैच कर देती हूँ, ताकि वो खो ना जाए, एक साथ ही रहे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनको यहाँ पे अटैच कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या ड्रेस बनाना इजी लगा, तो आप भी इस तरह से ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश किया। जैसे मुझे भी काफ़ी ये आसान लगा बनाना। और इस तरह से ये देखिए ऐसा इनकी चोली आ जाएगा, और इस तरह से ये पहनेंगे तो ये हमारी पूरी ड्रेस की लुक इस तरह का होगा। पिंक और ग्रे में कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्योंकि हमने बॉर्डरलेस और डिज़ाइनर नेट यूज़ किया है, तो हमने अलग से कुछ इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो कुछ कुछ पैच वर्क आप कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक पिंक कलर का पैच है, उस पैच को मैंने इसे बीचों बीच यहाँ पर लगाएंगे, ताकि सामने एक डिज़ाइन बनती रहे। और ऐसी पैच मैं उनकी पगड़ी में भी लगाऊंगी, ताकि वो मैचिंग हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने फूल भी लगा दिया, ये फोम फ्लावर है लाइट पिंक कलर का, और बिल्कुल मैच होते हैं इसके जो बॉर्डर है उसके साथ। तो आप इसमें डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फोम फ्लावर और ये नेट जो पैचेस है ये यूज़ इसलिए किया, ताकि ये पगड़ी के साथ मैच हो जाए। तो अब हम इनका जो है पगड़ी बना लेते हैं। पगड़ी बनाने के लिए मैंने फिर वही बॉर्डरलेस यूज़ किया है बेस के हिसाब से। मैं ऐसी इसी तरीके से ही पगड़ी बनाती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा। तो ऐसे हमने गोल घेरे में इसको ले लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा त्रिकोण करके भी इसको चिपका सकते हैं, ताकि एकदम बिल्कुल पगड़ी जैसा शेप हो। मैंने इसमें गोल लिया है, क्योंकि ये लेस का जो शेप था इसमें गोल घेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये इनकी जो सर की नाप है उसके हिसाब से लेना है। अब ये पगड़ी में ऊपर से हम ये पैच लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं बना रही हूँ, ताकि जो मेरे पास जो है वो उसी से बना रही हूँ। आपके पास जैसे भी लेस और पैचेस अवेलेबल है, आप उस हिसाब से अपना चूज़ करके बना सकते हैं। मैं कलर कॉम्बिनेशन का चूज़ करके, तो इसमें क्या बनाने में बहुत ज़्यादा खास कुछ मेहनत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमें एक्सपर्ट बनना है ऐसे भी नहीं है। हल्का हल्का चीज़ें से आप अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन करके इसको बना सकते हैं। अब हमने इनमें पैच लगा दिया है, अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। ये जो पिंक कलर का फोम फ्लावर है मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, और इसी वजह से ये पिंक कलर का फोम फ्लावर मैंने ड्रेस में भी लगाया था, ताकि ये पगड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी क्या करना है, थोड़ा सा मुझे ये पिंक कलर का जो पिंक कलर का एक कपड़े लिया है, थोड़ा सा लाइटिस पिंक पीच टाइप का, और नेट का कपड़ा है। एग्जैक्टली कलर मैच नहीं भी हो रहा है मेरा, तो आप अगर आपके पास सेम कलर है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह का थोड़ा सा पीचिस पिंक टाइप का भी कलर चल जाता है। तो इसका मैंने थोड़ा सा फ्रिल बना लिया है, जो मैंने पगड़ी में लगानी है, पगड़ी को थोड़ा सा हेवी लुक देने के लिए। पगड़ी वैसे हेवी होती नहीं है, इसमें ये बहुत ही हल्के हल्के चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इससे पगड़ी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है, बट इसका लुक थोड़ा सा बेटर आ जाता है। तो मैंने इसे फ्रिल बना के इसको सिल लिया है। बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ मैं, ताकि आप कोई भी इसको बना सके।
अब इसमें मैं ग्लू गम के हेल्प से ये जो पगड़ी हमने बनाया था, फ्रिल बनाया था, ये फ्रिल को यहाँ पे चिपका देंगे। पीछे के साइड से हमेशा चिपकाइए ताकि आगे के तरफ से ये इनकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ग्लू गम लगा के इसको चिपका देंगे ताकि ये अलग से ना दिखे और इस बहुत अच्छे से अटैच हो जाए। दोस्तों इस तरह से आप फ्रिल बना के अलग अलग कपड़े के अलग अलग कलर का भी फ्रिल बना के इसे पीछे से पगड़ी में चिपका के कर सकते हैं, जिससे कि पगड़ी का लुक बिल्कुल बदल जाती है और काफ़ी सुंदर हो जाते हैं देखने में। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया लेकिन आप चाहे तो इसमें ग्रे कलर का भी ऐसा फ्रिल बना के लगा सकते हैं, वो बहुत ही प्यारा दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब जो ये फ्रिल हमने बना लिया है इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेशन कर लेंगे। इसके लिए ये जो स्टोन्स है, कुंदन स्टोन्स है, छोटे छोटे मार्केट में 10 रुपीज़ का पैकेट आ जाता है, तो ये कुंदन स्टोन हम इसके ऊपर लगा देंगे। धीरे धीरे स्टोन्स को बहुत ही अच्छे से लगाना। इसके ऊपर जो है गम, क्योंकि मैंने ये ग्लू गम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें फैब्रिक ग्लू आता है जो फेविक्रिल का, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गम में तुरंत चिपक जाता है और इसमें वेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट अगर जब वो सूख जाता है अच्छे से फैब्रिक ग्लू, तो काफ़ी अच्छा पकड़ा जाता है और वो फिर खुलते नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इस तरह का फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लू गम में क्या है दोस्तों, एक्चुअली ग्लू गम मतलब दोनों में से कुछ भी, जो भी आप कंफर्टेबल हो वही यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम कान्हा जी को, इनकी पोशाक जो हमने बनाया है, मम्मी के जो कान्हा जी है, इनको पहना के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये इनकी कमर का घेरा का जो नाप है और बाकी सब नाप मैंने अच्छे से ले लिया था, ताकि ड्रेस बनाने के बाद इनको पहनाने जो इनको जब हम पहना देते हैं तो बिल्कुल कहीं से छोटा बड़ा ना हो और बिल्कुल नाप का हो। तो देखिए कितने बढ़िया इनका फिटिंग्स आया है। आप जब अपने कान्हा जी के लिए कुछ बना रहे हो तो उनका कमर का नाप, उनका घेरा कितना होना चाहिए, हर चीज़ का नाप आप बहुत अच्छे से ले लो ताकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए। तो ये एक पतली सी राखी है जो इनकी कमरबंद के हिसाब से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहे तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कमरबंद है आप कमरबंद यूज़ कीजिए। ये माला भी मैंने घर पर बनाया है और बॉल चेन और स्टोन चेन के हेल्प से। तो इनका थोड़ा सा श्रृंगार हम कर लेते हैं ताकि ड्रेस पहन के ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा दिखे। ये देखिए दोस्तों इनको लगा दिया है हमने, कान का भी पहना दिया है साथ साथ में, और ये स्टोन का है, क्रीमिश कलर का है, ये इनकी बांसुरी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे कान्हा जी को अब हम पहना देते हैं इनकी पगड़ी। आई होप आप लोगों को ये ड्रेस बनाना बहुत इजी था, लेकिन बनने के बाद, पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आया है ये कान्हा जी का नया नया ड्रेस। इस तरह से आप भी घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जिनको सिलाई नहीं आता है वो भी आराम से बना सकते हैं। तो प्यार से बना हुआ कोई भी चीज़ सुंदर दिखते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बाहर से ही हमेशा लेना है, आप चाहे तो अपने से भी सुंदर ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर आपके पास डिज़ाइनर नेट नहीं है तो आप नॉर्मल नेट के ऊपर बना के, जो ये कुंदन स्टोन्स आते हैं, ये जो फोम फ्लावर्स आते हैं, वो भी आप प्रेस्ट करके उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो दोस्तों ये है हमारे मम्मी का कान्हा जी का टोटल लुक ड्रेस पहनने के बाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।